हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इट्स फादर्स डे टुमारो। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक होममेड केक बनाऊँ। सो मैं केक बनाने वाली हूँ एंड मैं केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैंने कैसे बनाया एंड एवरीथिंग। सो आई होप यू लाइक इट। ऑयल, फ्रेश क्रीम, ये दो आइसिंग के पाउचेस, स्पून, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, ये दो कोका पाउडर के डब्बे, बेकिंग सोडा, जेम्स, चॉको चिप, ये है मैदा, पाउडर्ड शुगर, एग एंड मिल्क। और इसमें हम लोग दोनों बैटर्स तैयार करेंगे। बेसिकली ये वो जो इडली वाला स्टैंड है बेसिकली जिसको जिसके अंदर बेकिंग होगी। सो अगर हम ये ढक्कन खोलेंगे अभी करंटली एक सेकेंड, हाँ तो ये ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्ट का एक बेस बनाया है ताकि हीट उससे हो। एंड उसके ऊपर मैंने एक उल्टी कटोरी रखी है जिस पर ये जो हमारा मोल्ड है वो ऐसे का ऐसे प्लेस हो जाएगा। करंटली मैं इसे अभी प्री हीट कर रही हूँ सो दैट द केक कैन बी बेक्ड प्रॉपरली एंड क्विकली। तभी मैं इसको ढक रही हूँ एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल सी कि ये प्री हीट हो गया है एंड देन वी कैन पुट द केक। जो हमारा बैटर है अभी आप देख सकते हैं बहुत ही कंसिस्टेंट हो गया है, इसमें काफ़ी कम लम्ब्स हुए हैं अभी, दिस इज़ कंसिस्टेंट। इसको हम इसके अंदर पोर करेंगे और हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये क्योंकि ये बेक होकर ऊपर फूलेगा सो वी नीड टू मेंटेन द लेवल उतना ही। सो लेट दिस प्री हीट एंड देन आई विल शो यू हाउ इट्स डन। इस पे हमने अभी फॉइल लगाया है और फॉइल के ऊपर हमने ग्रीसिंग की है ऑयल से ताकि वो चिपके ना। और अब हम ये बैटर को इस मोल्ड के अंदर डालेंगे। We'll be right back.
जाके आफ्टर मी पुटिंग इट दिस होल थिंग इन फ्रीजर फॉर अबाउट 2 hours इन द फुल व्हाट डू यू से फुल कूलिंग वाला स्टेज आफ्टर 2 hours आई हैव गॉट दिस कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रीम द थिक कंसिस्टेंसी दैट आई वॉन्टेड बट यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सो आई एम कीपिंग दिस बैक इन द फ्रीजर ताकि ये मिल्क शेक ना बन जाए सो द मोमेंट आई वॉन्ट टू डू आइसिंग मैं तभी इसे निकाल के आइसिंग कर लूँगी प्रॉपरली सो आफ्टर 2 hours यू विल गेट द रिजल्ट सो यू नीड टू वेट सो अभी हम लोग आइसिंग के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हैं सो फॉर आइसिंग यू नीड बेसिकली ऐसा टिप जिससे क्रीम निकल सकती है सो इट हैज़ अ वेरी स्मॉल होल आप देख सकते हैं एंड वो होल से क्रीम निकलेगी ऑल्सो दिस इज द प्लास्टिक पाउच जिसके अंदर हम लोग हमारी क्रीम डालेंगे एंड सो अभी हम लोगों को ये जो टिप है इसको इस प्लास्टिक पैक के अंदर घुसाना है ये प्लास्टिक पैक की जगह अगर आपके पास कोई यू नो नॉर्मल सी प्लास्टिक की थैली भी होगी तो भी दैट वुड वर्क बट क्योंकि मुझे मिल गया किसी बेकरी शॉप से सो आई गॉट दिस सो इसे सबसे पहले बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ सिजर नो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक दिस नोजल एंड पुट इट इन द प्लास्टिक बैग ओके आगे तक ओके यहाँ पर यू कैन सी अब व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसे थोड़ा नीचे से काटेंगे सो दैट दिस होल थिंग डजंट गो थ्रू इट तो हम लोग इसको 1 second निकालेंगे एंड हम लोग इसे काफ़ी नीचे से काटेंगे जिसमें आप देख सकते हैं मैं यहाँ से काट रही हूँ इसे एकदम सो दिस ये जो ऊपर का नोजल है ये अंदर नहीं जाएगा इसके थ्रू एंड थ्रू नहीं निकलेगा ये देख सकते हैं मैंने इतना सा ही काटा है होल सो अब नाउ आई ट्राई पुटिंग दिस एंड इट शुडंट गो थ्रू इट सो लेट्स सी ये सीधा 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 निकल रहा है ओके सो आप ये देख सकते हैं कि हमारा नोजल थ्रू तो निकल चुका है प्लास्टिक बैग के बट वो पूरा नहीं निकला है इसका मतलब वो अटक चुका है यहाँ पे एंड सो आई थिंक इट्स सेफ इनफ टू पुट द आइसिंग आप चाहो तो इसे थोड़ा और ऊपर से भी कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ही छोटा पार्ट है आप देख सकते हैं जो बाहर है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कट इट अ लिटिल मोर ताकि वो बाहर से निकल जाए प्रॉपरली एंड इसको याद रखना इसको पूरा प्रॉपरली ऐसा रहना चाहिए इट शुडंट कम इनसाइड द प्लास्टिक बैग लाइक दिस इट शुडंट गो इनसाइड इसको प्रॉपरली आपको प्लेस करना पड़ेगा फॉर द क्रीम टू कम सो वील पोर आर क्रीम इन दिस बैग एंड देन आई एम गोइंग टू राइट हैप्पी फादर्स डे ऑन द केक सो लेट्स गो टिप्स देना चाहूँगी पहले से ही दैट आई यूज अ वेरी नॉर्मल सा कोका पाउडर इन द वीडियो बट इफ यू वॉन्ट अ बेटर टेस्ट ऑफ द केक देर इज अ पर्टिकुलर यू नो कैडबेरी का कोका पाउडर का डब्बा हियर इज द इमेज सो दैट यू कैन यूज एंड उससे बहुत मतलब एज गुड एज कैडबेरी डेयरी मिल्क जैसा उसका बैटर का टेस्ट आएगा केक का सेकेंडली फॉर द आइसिंग दैट आई शोड यू उसके लिए आप यू नो उसे बहुत देर तक आपको व्हिप करना पड़ेगा आफ्टर यू मेक द आइसिंग यू हैव टू व्हिप इट फॉर लाइक 5 minutes एंड कीप इट इन द फ्रीजर फॉर 1 hour or 2 सो दैट वो आइसिंग जम जाएगी पूरी तरीके से अदरवाइज यू विल जस्ट फील लाइक इट्स अ मिल्क शेक काइंड ऑफ थिंग बट आप उसको फ्रीजर में रखोगे इट विल ऑटोमेटिकली बिकम लाइक अ क्रीम